जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के व्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूं, जहां श्री हनुमान जी की कृपा से मेरे साथ वो चमत्कार हुआ था, जहां प्रभु की कृपा से मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और एक नया जीवन मिला था। दोस्तों, मेरे ठीक पीछे वो मंदिर है। थोड़ी देर में ही मैं आप सभी लोगों को इस मंदिर के दर्शन करवाऊंगा कि किस प्रकार इस मंदिर में वो चमत्कार हुआ था, कौन सी जगह कहाँ विराजमान है। दोस्तों, सबसे पहले ये गुरुजी हैं, ये ही इस मंदिर के फाउंडर हैं। इन्हीं ने इस मंदिर की नींव रखी थी और इनके बाद ही सारी कहानी शुरू होती है। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को दर्शन कराते हैं। दोस्तों, इनका नाम स्वामी हरिहर जी है महाराज, और इन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी और इसके बाद भी आगे मंदिर का और इतिहास है। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को दिखाते हैं। आइए मयंक जी, पंडित जी आइए साथ में। दोस्तों, सबसे पहले भगवान गणेश यहाँ विराजमान हैं, इनके दर्शन कीजिए आप लोग। उसके बाद अंदर का जो कक्ष है, देखिए डेकोरेशन किस हिसाब से की गई है मंदिर की। मयंक ऊपर का सारा दिखाओ, सारा का आगे पीछे सब चीज़ें दिखाओ, घुमाओ पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे। तो दोस्तों, ये देखिए सामने राधा रानी विराजमान है, भगवान कृष्ण विराजमान हैं और गुरुदेव विराजमान हैं, साथ में हमारे पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी हमें बताइए कि इन सब चीज़ों की स्थापना कब की गई और मंदिर कितना पुराना है। मूर्ति की स्थापना स्वामी हरिहर जी महाराज जी के द्वारा की गई, मतलब स्थापित कराई गई थी। जो इसके मुख्य अतिथि के रूप में आए थे स्वर्गीय राधा कृष्ण कृष्णन जी, यहाँ पे उनके कर कमलों के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। 2017 ईस्वी में हुई थी स्थापना। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि मंदिर की स्थापना कब की गई थी, तो आप सब लोग ध्यान से इस चीज़ को सुनेगा और साथ साथ अब हम आपको दर्शन करवाते हैं और चीज़ों के। आइए पंडित जी, आइए। दोस्तों, यहाँ पर माँ वैष्णो देवी विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि आओ मयंक, दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत माता विराजमान हैं और बहुत ही खूबसूरती से नकाशी की गई है मूर्तियों की। आप अंदर का देख सकते हैं यदि आपको दिख रहा हो सही तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ माँ गायत्री विराजमान हैं। गंगा माता, दोस्तों यहाँ महागंगा विराजमान हैं, देखिए। यहाँ पर माँ संतोषी विराजमान हैं। और दोस्तों यहाँ पर महाकाली विराजमान है, देखिए किस प्रकार अंदर का जो भवन है वो बनाया गया है। शीतला माता,
दोस्तों मैं माँ शीतला विराजमान है, देखिए दर्शन कीजिए। सरस्वती माता, यहाँ माँ सरस्वती विराजमान है। वैष्णो माता, और दोस्तों यहाँ पर माँ वैष्णवी विराजमान है तीन पिंडियों के साथ। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों देवियाँ विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण, आइए दोस्तों अब आपको राम दरबार के दर्शन करवाते हैं। देखिए जय श्री राम, साथ में श्री हनुमान जी विराजमान हैं। दोस्तों यहाँ पर शिव परिवार विराजमान हैं और उनके सामने ठीक श्री हनुमान जी विराजमान हैं। देखिए दोस्तों पंडित जी कुछ बताना चाह रहे हैं जी, बताइए पंडित जी। यहाँ पे श्रवण मास चल रहा है, मतलब सावन का महीना चल रहा है, भक्त लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक कराते रहते हैं और यहाँ पे डेली रुद्राभिषेक होता रहता है, भक्त लोग आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। दोस्तों आस्था बनी हुई है लोगों की यहाँ पर, ये हमारा एक लोकल एरिया है लेकिन यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं है, रोज़ाना भक्त यहाँ पर आते हैं काफ़ी भारी तादाद में दर्शन करने के लिए। और दोस्तों सामने आप देख सकते हैं कि श्री हनुमान जी का कक्ष है, जिस मूर्ति के बारे में मैंने आप सभी लोगों से बात की थी, यही वो जगह है जहाँ पर वो चमत्कार, वो कौतक हुआ था। आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि श्री हनुमान जी की भव्य मूर्ति है जो ठीक गुंबद के नीचे विराजमान है। मयंक बहुत अच्छे तरीके से आगे जाकर फोकस करके दिखाइए। यहाँ पे ये हनुमान जयंती 40 दिन का प्रोग्राम किया जाता है जी, और पर डे 40 दिन में 1008 का लड्डू का भोग लगता है जी जी, और भक्त लोग अपने श्रद्धा से सुमन से जो अर्पित करते हैं वो भी हम लोग लेते रहते हैं और उनके श्रद्धा से होता रहता है, सारा काम चलता है। अगर भक्त हमारे ऐसे हैं तो हमको करना ही करना है। 40 दिन का प्रोग्राम अच्छा खासा चलता है, हमारा गीता जयंती चलता है 18 दिन का, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे मंदिर में ये संस्था में चलता रहता है, बस यही सब है और आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने पूछा था कि मंदिर के दर्शन कब होंगे, आज वो सौभाग्यशाली दिन आया कि हमने मंदिर के दर्शन करवाए हैं, क्योंकि इस महामारी की वजह से मंदिर के कपाट बंद थे लेकिन अनुरोध करने पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूर्ति कितनी भव्य है और किस प्रकार मूर्ति को तैयार किया गया है, किस प्रकार से श्रृंगार किया गया श्री हनुमान जी का, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि उस गुंबद के नीचे ये मूर्ति किस प्रकार खड़ी है। आइए मयंक उस साइड से ले लो और गुंबद दिखाओ ऊपर से। दोस्तों ये वही जगह है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक गुंबद के नीचे बिल्कुल। तो जैसा कि दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैंने आप सभी लोगों को इस मंदिर के दर्शन करवाए, समस्त देवी देवताओं के दर्शन करवाए, किस प्रकार श्री हनुमान जी ने मुझे इस प्राचीन मंदिर में दर्शन दिए थे, वो सब चीज़ें मैंने ही पहले ही आप सभी लोगों के साथ शेयर की हैं। दोस्तों भगवान मंदिर में, मूर्तियों में हमेशा से ही विराजमान रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नज़र का फ़र्क है। जब तक हमारी आत्मा की जागृति नहीं होगी तब तक हम उन देवी शक्तियों को नहीं देख सकते। दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके संपूर्ण सात्विक होकर श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ें, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए उन्हें अपना गुरु धारण करें और उनके नाम का पाठ आरम्भ करें। एक जगह, एक दिशा, एक समय पर पाँचों चीज़ों का पाठ करें, राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, अंत में श्री हनुमान जी की आरती। उसके बाद केवल 5 बार उस शाबर मंत्र की 2 पंक्तियों का जाप करें। दोस्तों इसी के साथ ही
आज इस व्लॉग का हम अंत करते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष होंगे एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।